अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखला जातो, मात्र येथील महिलांना राखीच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला. मेळघाटच्या धारणी तालुक्यातील लवादा येथे 2011 वर्षापासून पर्यावरणपूरक राख्या बनवण्याचे काम सुरू आहे. महिला आपल्या विविध प्रकारच्या कलेतून पर्यावरणपूरक राख्या बांबूपासून राख्यांवर कोरीव काम केले जात आहे. कच्च्या मालाच्या आधारावर 32 पेक्षा जास्त डिझाईनच्या राखी येथे विकसित केल्या जातात. यावर्षी 150 पेक्षा जास्त बचत गटातील महिलांनी राखी बनवण्याचं काम हाती घेतलं आहे. 180 पेक्षा जास्त कारागीर विविध गृहोपयोगी वस्तू बनवत आहेत. मेळघाटच्या महिलांना गेल्या काळात पंतप्रधान मोदींनी राखी बांधण्याची संधी मिळाली होती. यावर्षी देखील देशासह विविध देशांमध्ये देखील मेळघाटच्या राख्या पाठवल्या जाणार आहेत. कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने राखीची किंमत 15 रुपये ठेवण्यात आली आहे. नमस्कार, मेरा नाम चंदा कनोजे, चित्री गाव की रहने वाली हूँ. संपूर्ण बांबू केंद्र द्वारा कौशल्य विकास का कार्य हम लोग करते हैं. 2011-12 से हम लोग राखी का उत्पादन कार्य कर रहे हैं और हम लोग हर साल राखी का उत्पादन करते हैं. और इस कार्य में महिलाएं 30 से 40, 50, 90 हज़ार तक का उत्पादन कर लेती है. और 2018 में हम लोग माननीय मोदी जी को भी राखी बांधने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था. और यहाँ राखी बांस से बनाई हुई पर्यावरण पूरक राखी है. यह राखी हमारे पूरे देश 60 देशों में गई है. और हम लोग ये जो राखी बनाते हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको बारिश में खासकर उत्पादन प्राप्त होता है, तो उससे वो लोग बहुत खुश है. और हम लोग जो राखी बनाते हैं वो प्लास्टिक बिल्कुल हम लोग वापर नहीं करते हैं, पर्यावरण पूर्वक राखी है. और हम लोग ये बाद में फेंक भी दिए तो वो मिट्टी में मिल जाएंगी और धूल बन जाएंगी. तो ये एक हमारी खासियत है कि यहाँ की जो पर्यावरण पूर्वक जो राखियाँ है वो यहाँ से उत्पादन होकर पूरे भारत में कैसे जाए, यहाँ की महिलाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो, हम लोग यही सोचते हैं और ये कौशल्य का कार्य करते हैं हम लोग.